नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद डॉट अंजलि में। आज हम बना रहे हैं चाउमीन। चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए कुछ सब्जियों को पतला व लंबा कट किया है। ये प्याज है, इसको मैंने पहले कट किया था, अब मैं इसको एक एक करके इस तरीके से बिखेर दिए। यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो गया है, उसमें हमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखने वाली जो बात होती है वो इसी समय होती है, पानी पूरा गर्म हो तभी आप इसमें नूडल डालें, और डालने के बाद इसे छोड़े नहीं, 1-2 सेकंड के लिए इसको चलाएं। 3 या 4 मिनट में जो भी समय लेता है उसमें ये बॉईल हो जाती है। बॉईल भी हमें 80% ही करनी है। ये जो बॉईल हो गई है, मैं इसको छान रही हूँ, फिर मैं इसको ठंडे ठंडे पानी से अच्छे से धो लूँगी। धोना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा चिपचिपन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं एक एक करके इसको इस तरीके से हवा लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है और एक एक नूडल्स पे लग जाए इस तरीके से मैं इसे हिलाऊंगी। ये मेरा देखो सभी नूडल्स पे ऑयल लग गया है। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीरा तभी डालें जब कढ़ाई में से धुआं आने लग जाए पूरी तरीके से। गैस का फ्लेम हाई रखना है। मैंने यहाँ लहसुन का पेस्ट भी डाला है, आप स्किप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा ना हो। मैं इसे अच्छे से चला लेती हूँ। अब मैं सारी सब्जियाँ हैं वो इसमें डालूँ। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि पत्ता गोभी है वो सबसे नीचे आनी चाहिए, क्योंकि पत्ता गोभी वो क्रंची होने में समय लगता है, और अगर चाउमीन में सब्जियां क्रंची नहीं होगी तो खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। 1 चम्मच डाला मैंने हल्दी। अब मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। एक चम्मच डाल रही हूँ मैं विनेगर। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। अब मैंने डाला इसमें सॉस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, डार्क सॉस, इसके अलावा जो आपके पास ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास अजीनोमोटो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, आज मेरे पास नहीं है इसलिए मैं रहने दे रही हूँ। यहाँ पे डाल दी मैंने नूडल। गैस का फ्लेम हाई है और हाई रखना है ताकि सारी सब्जियाँ हमारी क्रंची बन जाए। अब हम इसे अच्छे से चलाएँगे। अगर आपसे इस तरीके से ना चले तो कोई नहीं, आपके पास जो चिमटा है किचन में आप उससे हिला सकते हैं तो अपना काम तो हो जाएगा इस तरीके से। एक बार इस तरीके से आप चाउमीन बना के देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें लाइक एंड शेयर करें। अब आप इसे गर्म गर्म सर्व कीजिए। थैंक यू।